ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, इन सारे एक्टर्स के सरनेम्स कुछ ऐसे हैं कि कॉमन लाइफ में सुनने को नहीं मिलते, बट इनके निकनेम्स भी बहुत अनकॉमन हैं। जी हाँ, आज हम जानते हैं कि लोगों का बॉलीवुड आईक्यू क्या कहता है, उनको इन सारे कॉमन एक्टर्स के अनकॉमन निकनेम्स पता है या नहीं, लेट्स सी। अच्छा, क्या आपको वरुण धवन का निकनेम पता है? पता है वरुण धवन का। हाँ, क्या था यार वरुण धवन का? सोमू, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ऋतिक रोशन का निकनेम? ऋतिक रोशन का उसका भी नहीं पता। अच्छा, सोनम कपूर का पता होगा, बहुत कॉमन है। सोनम कपूर का उनकी पर्सनालिटी से मैच करता है। करीना कपूर का पता है? करीना कपूर का हम नहीं पूछ रहे। सोनम कपूर, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, इनका निकनेम? आई डोंट नो। ओके, अच्छा, आपको एनी गेस? नहीं, कोई गेस नहीं। अच्छा, बिपाशा बसु का निकनेम पता है आपको? किसी का नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। एक्चुअली क्या, अभी स्टडी हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि सब में अभी इन्वॉल्व नहीं हुए। मतलब फोकस पढ़ाई पर ज़्यादा और फिल्मों में कम है। गुड। ऐश्वर्या राय बच्चन? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश? ऐश। अनुष्का शर्मा? चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोगों से भी पूछते हैं। आपको पता है कि आलिया भट्ट का निकनेम क्या है? निकनेम आलू। करेक्ट, आलू। अनुष्का शर्मा? पता नहीं। ओके, ऋतिक रोशन? डुगू। ऐश्वर्या राय बच्चन? ऐश। रणबीर कपूर? पता नहीं। वही तो हम पूछा था, क्या हो सकता है? हाँ। तो आपको पता है कि वरुण धवन का निकनेम क्या है? वरुण धवन का? नो आइडिया। रणबीर कपूर? नो आइडिया। आलिया भट्ट? नहीं। सोनम कपूर, उनकी पर्सनालिटी से मैच करता हुआ निकनेम है सोनम कपूर का? एनी गेस क्या हो सकता है? No idea. प्रियंका चोपड़ा? प्रियंका चोपड़ा पीसी बोलता है शायद। पीसी बोलते हैं। पीसी इज अ कॉमन नेम। ओके, शी हैज अनदर डिफरेंट नेम। ओके, लास्ट, शाहिद कपूर? नो आइडिया। क्या बात है, एक भी नहीं। चलिए देखते हैं ये कितने निकनेम्स बता पाते हैं। ऋतिक रोशन? अरे, फ्रेंड से हेल्प लेने किसने कहा, चलिए देखते हैं वो भी बता पाते हैं या नहीं। गूगल से सर्च मारना पड़ेगा। अच्छा, सोनम कपूर? गोविंदा का चीची नाम है, इतना तो मालूम है। और हाँ, मालूम है, इसलिए तो हम पूछ भी नहीं रहे हैं आपसे। ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन का नहीं पता, भूल गए। पिट्टू है शायद। ओ, पित्तू बित्तू झिमपतू था। हाँ, यू आता है उनके लास्ट में, वो सही जा रहे हैं आप, लेकिन स्टार्टिंग का कुछ और बचा है। किट्टू हो सकता है। अच्छा, आफ्ताब शिवदसानी का पता है? नहीं, वो जो ग्रेट ग्रैंड मस्ती में थे। नहीं पता वो तो। अच्छा, एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, आलिया भट्ट ट्रेंड पे चल रही है, उनका निकनेम? उनका एक सब्जी से रिलेटेड है। सब्जी से? ये सब्जी इतनी कॉमन है कि सब में मिक्स हो जाती है। अब इतने हिंट के बाद तो कोई भी बता ही देगा। हाँ, करेक्ट। देखा, मैंने कहा था ना, अब आगे बताइए। रणबीर कपूर का? रणबीर कपूर का नहीं पता। एक सूट बनाने वाली कंपनी का निकनेम है इनका? एक जो कंपनी सूट बनाती है वही इनका भी निकनेम है? वो तो नहीं पता सर। ये थोड़ा मुश्किल है, खैर कोई गल नहीं। आपको पता है कि ऋतिक रोशन का निकनेम क्या है? ऋतिक रोशन? राज। आलिया भट्ट का? प्रियंका चोपड़ा का सुना होगा आपने। अनुष्का शर्मा? अनु। सोनम कपूर? अच्छा, लास्ट, वरुण धवन। एक भी करेक्ट नहीं। ऋतिक रोशन का?
आई डोंट नो, नहीं पता मुझे. ओ फर्स्ट इंग्लिश देन ट्रांसलेशन इन हिंदी. आई डोंट नो. शाहिद कपूर का निकनेम क्या है? अभी पद्मावती में वो आने वाले हैं शाहिद कपूर, उनका निकनेम? नहीं आइडिया नहीं कुछ. अच्छा आफ्ताब सुल्तानी जो ग्रेट ग्रैंड मस्ती में आ चुके हैं. डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित. माधुरी का नहीं नहीं कुछ शायद नहीं उतनी नहीं 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 पता नहीं क्या आइडिया. हाँ मेरे को भी नहीं कुछ आइडिया नहीं है. अरे ये बैकग्राउंड में से बड़े करेक्ट आंसर सामने आ रहे हैं बट बैकग्राउंड आंसर देने वाला नहीं. चलिए एट लास्ट हम सारे आंसर्स रिवील कर ही देते हैं. ऋतिक रोशन का निकनेम है डुग्गू. वरुण धवन को प्यार से उनके फ्रेंड्स पप्पू कहकर बुलाते हैं. वहीं शाहिद कपूर साशा नाम के गर्लिश निकनेम से फेमस हैं. आलिया भट्ट को कुछ ने सही पहचाना आलू. प्रियंका चोपड़ा का पीसी निकनेम बड़ा ही कॉमन और फेमस है बट द करेक्ट आंसर वॉज मिमी. ऐश्वर्या राय बच्चन गुल्लू नाम से पुकारी जाती हैं. और डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित का बड़ा ही प्यारा सा निकनेम है और वो है बबली. अनुष्का शर्मा नुशी. सोनम कपूर को लंबी होने की वजह से उनके कजिन्स जिराफ कहते हैं. तो वहीं रणबीर कपूर की मम्मी नीतू कपूर अपने बेटे को द कंप्लीट मैन का टाइटल देते हुए रेमंड बुलाती हैं. और द ग्रेट ग्रैंड मस्ती फेम आफ्ताब शिवदसानी फैफी नाम से जाने जाते हैं. तो ये थे इन सारे एक्टर्स के निक नेम्स और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा जैसे कि ऑडियंस में से काफ़ी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए. अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही एंटरटेनिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ अमित शर्मा को.